ભરૂચ વાગરામાં ફસાયેલા 300 કરતા વધારે કામદારો ગરજ જવા વિનંતી કરી. લોકડાઉનની બેવડી હડતાલ મજૂર વર્ગ પર પડી રહી છે. ભરૂચ જિલ્લાના વાગરામાં આજીવિકા મેળવવા આવેલા 300થી વધુ પરપ્રાંતિય લોકડાઉનના કારણે ફસાયા છે. કોઈ કામ નથી, પૈસા નથી, ખાવાની સુવિધા નથી. લગભગ 45 દિવસથી ફસાયેલા આ મજદૂર હવે ઘરે જવા માગે છે. ઝારખંડ રાજ્યના 200 કરતાં વધારે કામદારો તેમના વતન પરત આવવા માગે છે. વાગરા પોલીસ સ્ટેશન અને સરકારી કચેરીના અધિકારીઓ સાથે પોતાની સમસ્યા શેર કરી, પરંતુ હજુ પણ કોઈની મદદ મળી શકી ને. હવેથી ગુજરાત સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર તેમજ ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનને તેમના વતન માટે વિનંતી કરી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા તમામ કંપનીના માલિકો અને કોન્ટ્રાક્ટરના પગાર અને બાકીની રકમ ન કાપવા અપીલ કરી, પરંતુ અહીં ફસાયેલા કામદારોને લોકડાઉન બાદથી કોઈ પણ પ્રકારનો પગાર આપવામાં આવ્યો નથી. જ્યારે મજદૂર કોન્ટ્રાક્ટરને પગાર મેળવવા બોલાવે છે અને તે ના પાડી રહ્યા છે. અને હવે સવાલ એ થયો છે કે કામથી વંચિત મજદૂર પૈસા વગર કેવી રીતે જીવે. ખાસ કરીને અહીં વડાપ્રધાનની વાતને નજરઅંદાજ કરવામાં આવી છે અને ઓર્ડરની પણ અવગણના કરવામાં આવી છે. હાલ પ્રપ્રાંતીય મજૂર કામદારો મજબૂર બન્યા છે. ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, પંજાબ દેશના જુદા જુદા પ્રાંતના હજારો મજદૂરો ભરૂચ જિલ્લાની વાઘરા અને વિલાયતી ઔદ્યોગિક વસાહતમાં કેદ છે. તે તેમના ઘરના પરિવારને ચિંતા કરે તે કોરોના કરતાં પહેલાં ભૂખથી મરવાની આરે આવીને ઊભા છે. આ લોકો સરકાર પાસે માંગ કરી રહ્યા છે કે તેઓને વિશેષ ટ્રેન અને બસ દ્વારા વતન પહોંચાડવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે. કેન્દ્ર સરકાર, ગુજરાત સરકાર અને રાજ્યનો સંપર્ક કરવા, તેમને ઘરે લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવા પણ તેઓ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે શું મજદૂરોને ઘરે પહોંચાડવામાં આવશે ખરા. झारखंड के 300 से अधिक मजदूर हम फंसे हुए हैं. मजदूरी का काम करते हैं. लॉकडाउन के बाद से काम धंधा बंद है. ठेकेदार और कंपनी की तरफ से किसी तरह की हेल्प नहीं, सिर्फ 2000 रुपया एक बार दिया था. दो वक्त का खाना रहना हमारा मुश्किल हो गया है. कोरोना से तो हम बच जाएंगे मगर भूख से मर जाएंगे. हमारी गुजरात सरकार और प्रशासन से विनती है, हमें घर पहुँचाया जाए. झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से हम प्रवासी मजदूर आग्रह कर रहा हूं कि हम लोगों को झारखंड मंगाने के मदद करें. मैं राम प्रसाद यादव, राज्य गुजरात, जिला भरूच, बागरा में फंसे हुए हैं. हम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि इस लॉकडाउन के दरमियान हम लोग फंसे हुए हैं, और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को आग्रह करता हूँ कि इसके बाद फिर मैं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूं कि हम लोग को जैसे तेलंगाना से अति रेल चला करके झारखंड मंगाने का काम किया है, वैसे हम लोग को भी भरूच से रेल चला करके मंगाने का काम करेंगे. और इसमें हम लोग को जितने भी झारखंड के 300 मजदूर फंसे हुए हैं, जो ना हम लोग को खाने की व्यवस्था है, न पैसा की व्यवस्था है, केवल रहने के लिए रूम भर है. और इसमें हमारा झारखंड सरकार से अपील है कि जितना जल्द हो सके हम लोग के लिए झारखंड को मंगाने के लिए मदद करने के लिए सहयोग करना होगा. इसी तरह से सहयोग करके झारखंड सरकार हमारी मदद करके अपना राज्य में वापस मंगा ले. झारखंड के 150 वर्कर है. झारखंड सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने वर्करों को बुला लें, और बिहार का भी वर्कर हमारा 250 से 300 तक है, बोलो अपना बिहार सरकार भी अपना वर्करों को बुला लें. और मैं अपने तरफ से यूपी का भी वर्कर है, मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ, उन लोग का भी मैं नम्र निवेदन किया हूँ. और आधार कार्ड और पासबुक और मोबाइल नंबर भी मैं दिया हूँ. और खाने का पीने का तकलीफ हो रहा है, उन लोगों का परिवार का भी दिक्कत है. और यहाँ गुजरात सरकार में भरूच जिले में बगरा रहते हैं, और अपने तरफ से मैं आधार कार्ड के जिला और मोबाइल नंबर पंचायत सरपंच को मैं दिया हूँ, और थाना में भी दिया हूँ, और घर जाने के लिए भिजवा दिया जाए. ये बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार हरजिंदर सिंह, मैं अमृतसर पंजाब का रहने वाला हूँ. क्या समस्या है आपकी? समस्या इधर 2 महीने हो गए फंसे हुए हैं, तो खाने पीने को भी जो प्रॉब्लम है, ये काम चलता नहीं है कोई, हम परेशान पे हैं. कौन सी कंपनी में काम करते हैं? दावल कंपनी में. अपने सैलरी आपको देने के लिए कुछ बोला था, वो कुछ सैलरी वगैरह दिया था अभी आपको? वो पहले तो दिया जितने दिन लगे थे, उन आगे तो मिलेगा, सभी आदमी बोलते मिलेगा. आपकी गुजरात सरकार से क्या विनती है यहाँ पे से? हमारी ये विनती है, हमको जो काम मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो हमको घर पे जाए. ठीक है,
और मैं अभी अपने साइड इंचार्ज के पास फोन किया था पेमेंट के लिए, वो बोले थे कि पेमेंट होगा, पर आज हम इस समय मुश्किल में आए तो हम जब फोन किए पेमेंट के लिए तो पेमेंट देने से मना कर दिए। मेरा नाम पूछ रहे थे कि नाम क्या नाम है, तो मैं डर के नहीं बताया क्योंकि वो मेरा पेमेंट होल्ड कर देंगे, इसलिए मैं डर के नहीं बताया। और साहब प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी उनसे बोलता हूँ पेमेंट करिए तो सब वर्करों से पूछते हैं कि तुमको जो अगला मंथ का पेमेंट किया था वो पेमेंट हुआ क्या। हमेशा साहब वो हमारे पेमेंट का कोई वो लेने वाले नहीं है, और मैं हमारी फैमिली भी हमें यहाँ पे अपने पेट के लिए नहीं आया। अभी आपको लॉकडाउन के बाद पेमेंट मिला क्या? नहीं साहब, एक बार 2000 रुपया मिला। कब मिला था? साहब 20 तारीख को, और परसों 500 रुपया भेजा, 500 रुपया भेजा, और साहब उसके बाद पेमेंट का नाम नहीं ले रहा। मेरे पास ऑडियो क्लिप है, उन्होंने बोला मैं पेमेंट नहीं करूंगा। कितने तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले हो, यहाँ पे कितने टाइम? हम सभी भाइयों बिहार और गुजरात, बिहार पंजाब यूपी झारखंड बंगाल, हर लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग के रोजी रोटी सब बंद हो चुका है। अब कोरोना की बीमारी से हम लोग एकदम घर के परिवार भी भूखे रह रहे हैं, क्योंकि पैसा वैसा मिल नहीं रहा है। वहाँ भी तो देना जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो अपना पेट पोस रहे हैं, लेकिन घर परिवार को भी तो दिक्कत हो रहा है। ये सभी हम माने केंद्र सरकार, प्रशासन, हमारे गुजरात के सरकार या हमारे जितने भी स्टेट के हैं, सारे मंत्रियों माननीय मंत्री से अपील है कि हम लोग के घर तक पहुंचा दीजिए और किसी तरह हम लोग के सुविधा उपलब्ध कर दीजिए। क्योंकि हम लोग ऐसे देखते हैं वीडियो चैनल पे कि हमारे सरकार भेज रहे हैं, बस भेज रहे हैं। अभी झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी की तेलंगाना से एक्सप्रेस चला करके 1200 आदमियों के ले गए हैं। इसी तरह हम लोग के भी जो फंसे हुए हैं, सारे लोग को हम लोग के घर तक पहुंचाइए। सभी से हम मंत्री से अनुरोध करते हैं, हमारे भाईचारे जितने भी हैं हम लोग के घर तक पहुंचाइए। अब हम लोग को रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग मजदूर आदमी हैं, बहुत से काम करने वाले। अब घर में रह करके परेशानी है, रूम में अच्छा नहीं लग रहा है, बीमारी और फैल जाएगा, इसलिए हम यही अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ पर कितने लोग हो आप? यहाँ पे हम लोग 1200 आदमी है, सारे लोगों को। कहाँ कहाँ से हो? ये झारखंड के कम से कम 350 आदमी है, और बाकी बिहार के हैं 300-400 आदमी, पंजाब के हैं, बंगाल के हैं, यूपी के हैं, सारे आदमी हम लोग 1500 आदमी हैं। अपने कंपनी आदित्य बेड़ा में जॉब करते हैं। अब सरकार से भी क्या अपेक्षा करते हो? हम लोग सरकार से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोग के सुविधा दें और हम लोग के स्टार्ट। मैं श्याम सुंदर भैया मेरा नाम है, मेरा घर है गढ़वा जिला नगर उंटारी प्रखंड, जो कि हम लोग बिड़ला आदित्य में काम करते हैं। हम लोग हैं धावल कंपनी के, और हम लोग गुजरात में कम से कम हम लोग झारखंड के 1200-1400 आदमी हैं गुजरात स्टेट में। हम लोग यहाँ पुलिस चौकी है बागरा थाना एकता नगर, जो कि हम सभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी और माननीय यहाँ का गुजरात का मुख्यमंत्री जी को भी मैं उनको से भी निवेदन करता हूँ कि हम सभी प्रवासी मजदूर को घर भेजने की कृपा किया जाए। जो हम लोग लॉकडाउन में आज 45 दिन तक ले हम लोग ने ये कठिनाइयों को झेल रहे हैं, हम लोग को न खाने के लिए सुविधा दिया जा रहा है सरकार के तरफ से, न हम लोग के यहाँ केवल रहने का खाली सुविधा है। हम लोग जो भी लॉकडाउन में परेशानियाँ झेल रहे हैं, जो हम लोग के वित्तीय वर्ष जो परमेंट मिला है और जो बकाया है, हम लोग को भुगतान करते हुए हम लोग को पुनः घर भेजने के सभी प्रवासी मजदूर जो भी हमारे यूपी बिहार झारखंड चाहे कोई भी राज्य के हैं, हम लोग सभी पर यहाँ गुजरात में एकता नगर जो कि बागरा थाना पुलिस स्टेशन के अंदर में हम लोग हैं फंसे हुए हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं, हमारे माननीय केंद्र सरकार, हमारे झारखंड सरकार और सभी भाइयों को लॉकडाउन में जो बाहर प्रवासी मजदूर फंसे हैं, उन सभी भाइयों को सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, हम लोग को ये सपना को पूरा किया जाए। हम लोग हर संभव कदम में कदम मिला करके चल रहे हैं।